आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मसला फ़लस्तीन पर इसराइल को मुतनबे करते हुए कहा है कि सहूनी रियासत किसी भी मकबूजा हिस्से को जम करने से बाज रहे। मसला फलस्तीन पर ओआईसी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली वर्चुअल इजलास मुनक्द हुआ। मजकूरा इजलास में पाकिस्तानी वफद की क्यादत शाह महमूद कुरैशी ने की और इस दौरान उन्होंने कश्मीर और फलस्तीन की आज़ादी की तहरीक की मुश्तरका नौयत को उजागर किया। वज़ीर ख़ारिजा ने अल-क़ुद्स शरीफ तरल हुकूमत की हामिल खुद मुख्तार और मुत्तसिल रियासत फलस्तीन का मुतालबा दोहराते हुए कहा है कि इसराइल किसी भी मकबूजा हिस्से को दम करने से बाज रहे। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि उनकी बुनियाद मुतल्लिका खित्तों के आवाम के नाकाबिले तंसीख इस सवाल राय की हक पर हासिल है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के आवाम को भी बदतरीन सूरत हाल का सामना है। आलमी बरादरी कश्मीर और फलस्तीन के दरीना तनाज़ात के हल में किरदार अदा करे। इजलास के दौरान वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीनी आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इआदा किया है। वाज़ह रहे कि ये गैर मामूली इजलास फलस्तीन की दरख्वास्त पर बुलाया गया था।